अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कैसे आप नेम चिप का जो डोमेन है उसको ब्लॉकर के साथ अटैच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले जो बंदे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो जो है चैनल पर आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर, हम लोग अपने ब्लॉगर जो है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं ब्लॉगर को। यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है info.uae, तो यहाँ पर इसके साथ ऑलरेडी अटैच है। हम लोग यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग एक न्यू वेबसाइट बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं info.tech.uae उर्दू। ओके, ये आने वाले नहीं है, यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए ये बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ओके, यहाँ पर देखें आप लोग जो है हमारी एक नई वेबसाइट बन चुकी है। अब आपने करना क्या है, आपने जो नेम चिप की जो वेबसाइट है उसको आपने ओपन कर लेना है जहाँ से आपने डोमेन ख़रीदा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं। ओके, लॉगिन करने के बाद आपने करना क्या है, आपने अपने डोमेन में चले जाना है। यहाँ पर देखें मेरा डोमेन है info.tech.uae.in, इसको यहाँ पर मैं मैनेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप जो है यहाँ पर डोमेन लिस्ट के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सब आपने चले जाना है ब्लॉगर में। ब्लॉगर में जाने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर आपको एक कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर कहाँ गया, ओके, यहाँ पर देखें ये कस्टम डोमेन का ऑप्शन आपको मिल गया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर अगर डोमेन डालता हूँ तो वो यहाँ पर अटैच नहीं होगा। यहाँ पर देखें www.info.tech.uae.in, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये यहाँ पर इस तरह से ये एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पर ये कुछ बता रहा है कि यहाँ पे ये ऐड करें, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने नेम चिप के ऊपर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर देखें एडवांस DNS, इसके ऊपर आपने आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर आपको जो है नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद नीचे जाके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देखें ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पर टाइप के ऊपर आके ऐड न्यू रिकॉर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपने यहाँ से सिनेमा सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर देखें सिनेमी रिकॉर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर होस्ट नेम, यहाँ पर आपको ये बता देगा, यहाँ पर देखें यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का नेम है जो वो है www, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसके आगे ये बता रहा है ये वाला google.com, ये कुछ है GHS, इसको अपने कॉपी करते हैं, इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये करने के बाद यहाँ पर आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे इसको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे यहाँ पर एक ऐड हो जाएगी। उसके बाद दूसरे फिर सेटिंग में आपने जाना है, यहाँ पर फिर और एक नेम बता रहा है, ये कुछ इस तरह से अजीब सा नाम है 5F कुछ, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पर देखें ऐड न्यू रिकॉर्ड, उसी तरह ऐड न्यू रिकॉर्ड पर जाकर यहाँ पर सिनेमी रिकॉर्ड पर ऊपर आ जाना है, यहाँ पर इसको होस्ट के नाम पर आपने वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टारगेट है, टारगेट के आपने यहाँ पर इसके आगे लिखा होगा, यहाँ पे इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ओके, ये करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने इसको टिक कर देना है। टिक करते ही फ्रेंड्स आपका जो है काम हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर DNSSCE का एक ऑप्शन होगा, स्टेटस होगा, इसको आपने ऑन कर देना है। ओके, ये हो गया हमारा ऑन। उसके बाद आपने करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे एक और है उस ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इसने अपने इसको ऑन कर देना है। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर अपने ब्लॉगर में जाके अब ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारा डोमेन जो है यहाँ पे सेव होता है कि नहीं होता। इसको सेव करते हैं, कैन नॉट बी अप्लाइड, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश करने के बाद एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं ये हमारा डोमेन ऐड होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से हम लोग अपना डोमेन कॉपी कर लेते हैं, अच्छा है कुछ गलत ना हो जाए। कॉपी www, आपने www लाजमी लगाना है, अगर www आप नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद सेव करते हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ पे इसको
रिट्रैक्ट डोमेन को ऑन कर देना है। अब चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो क्या आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं infotechuae.in आ रहा है अभी। इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं लगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।